दोस्तों, इस समय 2024 चल रहा है और इस साल गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इस साल की गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हूँ और यहाँ का तापमान है 48 डिग्री और दिल्ली में तो पहली बार 51 पहुँच गया। ज़रा सोचो कि दिल्ली में 51 और 60 टेम्परेचर जब होता है तो आदमी लोग का मतलब मृत्यु होने लगती है, जो कमज़ोर बूढ़े लोग हैं, जरा सोचो। और इसकी वजह ये है कि अब हम इंसान अपने रहने के लिए जंगलों और पेड़ों को काट के घर बनाने लगे हैं और इसलिए धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पहले लोग बताते हैं कि 50-100 साल पहले कि 40 के ऊपर जाता ही नहीं था, लेकिन अब देखो कि यहाँ पे 42-55 अब 50 क्रॉस कर गया है दिल्ली में इस साल। और इसकी वजह बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करके बता रहे हैं कि हम इंसान अपने रहने के लिए, अपने घर के लिए हम पेड़ काट रहे हैं। और पेड़ जब काटते हो तो पूरा सफाया हो जाता है और हम जानते हैं कि पर्यावरण जो है वो हमारे मानसून के लिए कितना अच्छा होता है। लेकिन हम इंसान सुधरने वाले नहीं हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए पेड़ को काटते हैं और इसकी वजह से दिक्कत होती है, टेम्परेचर बढ़ते हैं और फिर हमको ही बाद में दिक्कत होती है। पेड़ तो हम काटते हैं अपने रहने के लिए, लेकिन वही रहने के लिए तो हम घर बना लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको ही दिक्कत होता है बाद में। जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ पे बगीचे वगैरह हैं, आप देख लो वहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री कम रहता है। जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे 4 डिग्री ज़्यादा रहेगा और जहाँ पे पेड़ हैं वहाँ का टेम्परेचर 3 से लेकर 4 डिग्री तक कम रहता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि पेड़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है और टेम्परेचर कम करने के लिए कितना अच्छा होता है पेड़। लेकिन पेड़ हम काटते हैं अपने घर के लिए और सरकार इस पे रोक भी लगाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग घूस खा के, पुलिस को, सरकार को घूस देकर पेड़ को काट देते हैं लेकिन बाद में। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर जो जो ये वीडियो देख रहा है, पेड़ को काटो ना, बल्कि पेड़ को लगाओ।